बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया का बड़ा खेल चल रहा है। इस खेल में पुलिस मुख्यालय की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक एसपी ने शराब माफियाओं और पुलिस कर्मियों की सांठ गांठ पर सवाल उठाए तो उनका तबादला कर दिया गया। क्या शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना गुनाह है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर एसपी साहब पर गाज क्यों गिरी? दरअसल पटना के मध्य निषेध एसपी रहते हुए राकेश कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने उत्पाद विभाग से जुड़े अधिकारियों और उनके परिजनों की संपत्ति की जांच कराने को कहा था। साथ ही साथ शराब माफिया के साथ जनप्रतिनिधियों की साठ गांठ को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, लेकिन सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखे जाने के बाद राकेश कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया गया। 6 जनवरी को राकेश कुमार सिन्हा ने यह पत्र लिखा और 19 जनवरी को उनका ट्रांसफर स्पेशल ब्रांच में कर दिया गया। राकेश कुमार सिन्हा पर गिरी गाज ने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमले का हथियार थमा दिया है। आरजेडी ने इसे बिहार में शराबबंदी के फेल होने का सबूत बताया है। शराबबंदी को लेकर के मध्य निषेध विभाग के एसपी ने खुलासा किया है कि उत्पाद विभाग के अधिकारी ही इसमें संलिप्त है। सरकार के अधिकारी उत्पाद विभाग के मिलीभगत से होम डिलीवरी हो रही है शराब की। अब सरकार के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने पटना के मध्य निषेध एसपी रहते राकेश कुमार सिन्हा की तरफ से जारी किए गए उस आदेश को रद्द कर दिया है जो 6 जनवरी को जारी किया गया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार उत्पाद विभाग के अधिकारियों की संपत्ति जाँच और शराब माफिया के साथ उनकी संलिप्तता की भूमिका की जाँच कराने से क्यों भाग रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, News 24। 6 जनवरी को एसपी ने यह पत्र सभी जिलों के एसपी को भेजा था। 15 जनवरी को इस पत्र को रद्द कर दिया गया और वो भी पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद, और 19 जनवरी को एसपी का तबादला कर दिया गया। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बिहार में शराब माफियाओं की पैठ है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, News 24। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं लेकिन खबरें जारी हैं, देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।